हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम सी क्यूज़ ऑन सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट इस टॉपिक uh, को हम थ्री uh, पार्ट्स में डिस्कस करने जा रहे हैं और टोटल uh, सीरीज़ में हम मिनिमम हंड्रेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ uh, पिछले कुछ एग्जाम्स हैं पाँच सात साल के जो एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन रिकमेंडेड फॉर पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया सबसे पहले पंचायत राज सिस्टम को कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था इंडिया में तो ये किया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने इन्होंने पंचायत राज सिस्टम की जो रिपोर्ट थी वो सबमिट की थी 1957 में नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को uh, के लिए क्या प्रोसीजर है रिमूव करने के लिए सो थ्रू अ प्रोसीजर सिमिलर टू दैट फॉर द रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट जो प्रोसीजर हाई कोर्ट के लिए के जज के लिए यूज़ किया जाता है वही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए भी वही प्रोसीजर यूज़ किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी टायर्स आर इन द पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया पंचायत राज सिस्टम जो इंडिया में सकत, उसमें uh, कितने टायर्स uh, होते हैं तो so, इसमें थ्री टायर सिस्टम है थ्री टायर सिस्टम इज़ अरेंज ग्राम पंचायत पंचायत समिति एंड जिला परिषद नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग सिस्टम इज एस्टैब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन डायरेक्ट ये जो थ्री टायर सिस्टम है इनमें से कौन सा सिस्टम डायरेक्ट इलेक्शन के बेस पे एस्टेब्लिश किया जाता है तो ये बनाया जाता है ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत इज इस्टिश ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई है इन द पोस्ट सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एरा पोस्ट सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एरा के बाद डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कौन सी पावर्स के लिए डिस को डिसेंट्रलाइज़ किया गया तो इसमें डिसीजन मेकिंग पावर्स देयर हैज़ बीन अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स सिस्टम एज अ होल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स सो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो पहले देखते हैं पंचायत राज सिस्टम वाज एस्टैब्लिश इन इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है ये आप याद रखें मध्य प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट विच इम्प्लीमेंटेड द पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया तो ये है इसमें करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पंचायत राज सिस्टम है वो एस्टेब्लिश किया गया था राजस्थान एंड सेकेंड अक्टूबर 1955 में तो सबसे पहले पंचायत राज सिस्टम इस्टेबलिश किया गया था राजस्थान में और ये डेट भी आप याद रखें आफ्टर विच आंध्र प्रदेश अडोप्टड दिस सिस्टम सो ये गलत है मध्य प्रदेश नहीं है देन सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन नाइनटीन नाइन्टी टू ये भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है ये भी आप याद रखें तमिलनाडु हैज़ अडोप्टिड द बाई कैमरल मैथड और तमिलनाडु में बाई कैमरल मैथड यूज़ किया गया है तो ये भी करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू पंचायत राज पंचायत राज से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है तो ये है आर्टिकल टू फोर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो सो सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ लिस्ट वन में अमेंडमेंट्स है और कमेटीज़ हैं और लिस्ट में उनसे रिलेटेड प्राविजन है तो ये आपको बताने हैं तो इसमें मैंने मैच कर लिया है ये है जो सेवनटी थर्ड अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डेवलपमेंट है इट्स रिलेटेड टू स्टेट फाइनेंस कमीशन दैन सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये म्यूनसिपल काउंसिल से रिलेटेड है जी वी राव कमेटी रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड एल एम सिंघवी कमेटी रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत राज सिस्टम तो यहाँ इसका आंसर भी है तो ये आप नोट कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मेन पर्पस बिहाइंड ब्रिंगिंग द पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया पंचायत राज सिस्टम को इंडिया में लाने के पीछे सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है मैन पर्पस है वो क्या था वो था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर्स टू द जनरल पीपल दैट मीन्स कि जो पॉलिटिकल पावर है वो ग्रास रूट लेवल तक जो कामन पीपल तक है उन तक पहुंच जाए यही इसका मेन पर्पज़ था next question. which schedule was added to the constitution by 73rd constitutional amendment act? 73rd constitutional amendment. Uh, say, consa, schedule add kiagatha to ye add 11th schedule. 11th schedule was added in the indian constitution by 73rd constitutional amendment act. next question. constitutional amendment. एक्ट डज नॉट अप्लाई टू विच आर द फॉलोइंग स्टेट इनमें से कौन से स्टेट पर कॉन्स्टिट्यूशनल सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनलमेंट अप्लाई नहीं होता है तो यह मेघालय पर अप्लाई नहीं होता है बाकी गोवा सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश यहाँ सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अप्लाई हो चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन अंडरविच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राविजन इज रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शीडल ट्राइब्स इन एवरी पंचायत मेड सो पंचायत में जो रिजर्वेशन रखी जाती है शिड्यल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सो ये कौन से प्राविजन्स के अंडर ये रखा जाता है तो ये रखा जाता है अंडर आर्टिकल फोर्टी थ्री डी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन वो स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ग्राम सभा सो ग्राम सभा से रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बाकी सारी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं एक तो ये इट इज़ इट इज़ अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ अ विलेज कंप्राइज विद इन द एरिया पंचायत लेवल दैट मीन्स कि ग्राम सभा में जो भी एलेक्टोरल uh, रोल्स में जिसका नाम आता है इलेक्शन लिस्ट में जिसका भी नाम आता है वो दैट कंसिस्ट ऑफ ग्राम सभा इट इज़ अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स इन एरिया पंचायत और इसमें जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं पंचायत के वो ग्राम सभा में आते हैं दैन इट्स पावर हैज बीन डिटमाइंड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये गलत ऑप्शन है इट्स पावर एंड फंक्शंस एट विलेज लेवल आर लाइकली आर लाइक स्टेट लेजिलेचर एट द स्टेट लेवल तो इसकी जो पावर्स हैं उनको स्टेट लेजस्लेचर जो स्टेट लेवल पर है वही uh, उनके फंक्शंस को और उनकी पावर्स को देखता है तो so, ये सारे करेक्ट ऑप्शन हैं बाकी सी ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट uh, है नेक्स्ट वही स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पंचायत राज इसमें पंचायत राज से रिलेटेड ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है तो इसमें जो ट्रू स्टेटमेंट है वो है सी पार्ट बाकी इनकरेक्ट है उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इलेक्शन ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इज़ कंडक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन सो इसके जो भी एलेक्शन वगैरह होते हैं वो स्टेट एलेक्शन कमीशन ही वो कंडक्ट करवाता है बाकी इसमें यहाँ जो एज बताई है एटीन ईयर्स या ट्वेंटी वन ईयर होती है टू कंटेस्ट द इलेक्शंस देन इसमें जो ये सिक्स ईयर्स के लिए होती है यहाँ लिखा है फाइव ईयर्स तो ये सिक्स ईयर्स के लिए नहीं ये फाइव ईयर्स के लिए यहाँ इनको तो ये बनाई जाती है आफ्टर फाइव ईयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन बिलो विच पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल आर नॉट कॉन्स्टिट्यूश कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मिनिमम पॉपुलेशन कितनी रखी गई है जिसके थ्रू जो पंचायत में थ्री टायर सिस्टम है उसमें जो इंटरमीडिएट लेवल है तो वो कॉन्स्टिट्यूट ना की जाए उसके लिए जो मिनिमम पॉपुलेशन है वो कितनी रखी गई है तो वो रखी गई है ट्वेंटी लैक्स दैट मीन्स जिस स्टेट uh, में सो so, जिस स्टेट में पॉपुलेशन बिलो ट्वेंटी लैक है वहाँ इंटरमीडिएट लेवल कॉन्स्टिट्यूट ना किया जाए ये प्रोविजन भी सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट में रखा गया है हाउ हावनी पोस्ट आर रिजर्व फॉर वुमेन एट ऑल लेवल्स इन द पंचायत राज वुमेन के लिए कितनी सीट्स uh, रिजर्व की रिजर्व की गई है तो वन थर्ड ऑफ द

जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट लेजिलेचर्स हैं स्टेट लेजिस्लेचर डेलीगेट पावर्स एंड फंक्शन टू द पंचायत तो स्टेट स्टेट लेजिस्लेचर वो डेलीगेट करता है पावर्स एंड फंक्शन टू द पंचायत तो कौन से एक्ट के थ्रू तो ये करता है एज पर द एक्ट ट्वेंटी थ्री जी एंड एच नेक्स्ट इन नाइनटीन सेवेंटी सेवन अंडर हद चेयरमैनशिप पंचायत राज सिस्टम वाज फॉर्मड पंचायत राज कमेटी नाइनटीन नाइन्टी सेवन में किसकी चेयरमैनशिप के अंडर बनाई गई थी तो ये बनाई गई थी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ अशोक मेहता इन 1997 अंडर uh, द uh, चेयरमैनशिप ऑफ अशोक मेहता कमेटी द पंचायत राज कमेटी वाज फार्म नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तो इसमें आपने बताना है कौन कौन स्टेटमेंट करेक्ट्स हैं विलेज पंचायत दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ये भी करेक्ट है रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये भी करेक्ट है मेटर्निटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ये भी करेक्ट है हायर वोकेशनल एजुकेशन ये गलत है वो ज्यादा फॉलोइंग स्टेट वाज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस पंचायत राज सिस्टम तो सबसे पहले पंचायत राज सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस uh, किया था ये किया था राजस्थान ने ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पीछे भी नेक्स्ट वो ज्यादा फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज ऑन दैट स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत सो कौन सी आर्टिकल में ये बताया गया है कि स्टेट जो है वेरियस स्टेप्स ले ले टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत तो ये ऑलरेडी डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ़ स्टेट पॉलिसी जो था जिसमें आर्टिकल फोर्टी है उसमें ऑलरेडी मेंशन था कि जो भी स्टेट्स हैं उनको स्टेप लेने चाहिए टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत पंचायत राज इज़ इंक्लूडेड इन तो ये इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट इमर्ज फ्राम तो यहाँ थोड़ी लैंग्वेज चेंज है तो ये इमर्ज हुआ था फ्राम आर्टिकल फोटी ऑफ डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ़ स्टेट पॉलिसी सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो ओके थैंक्स बेस्ट ऑफ लक एंड एज़ ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल